Hi humans and welcome back to humanities. I am Vira, your new sociology educator. Let us start with a very new and a fresh beginning. हम sociology का पूरा syllabus साथ में cover करने वाले हैं and मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको sociology के साथ बहुत comfortable महसूस होगा and you'll no more fear uh, and feel bored while studying sociology, right? एंड सोशालोजी में हंड्रेड ऑन हंड्रेड स्कोर करना इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू गाइज आर थिंकिंग सो लेट एस गिव इट असार्ट एंड लेट एस होप फॉर अ वेरी एनर्जेटिक जर्नी अड सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ अ वेरी सिंपल एंड स्वीट चैप्टर जिसका नाम है डेमोग्राफी अब डेमोग्राफी जब ही आप सुनते हो वर्ड तब आपको याद रखना है कि ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है इसको अगर मैं फर्दर बाइफरकेट करूँ तो दो हिस्सों में ये वर्ड बढ़ जाएगा डेमोज एंड ग्राफी डेमोज मीनिंग पीपल ग्राफी मीनिंग टू डिस्क्राइब सो डेमोग्राफी इज न सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ये क्या क्या पढ़ता है ये पढ़ता है ट्रेंड्स एंड प्रोसेस विच आर एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन जैसे बर्थ रेट डेथ रेट ठीक है और ये और भी कुछ कुछ पड़ता है जैसे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं ठीक है सो डेमोग्राफी so, के बारे में बेसिक आइडिया आपको पता चल गई होगी ट्रेंड्स एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ये सारी पॉपुलेशन के अंदर की चीजें डेमोग्राफी पढ़ने का काम करता है राइट right? अब हम डेमोग्राफी के टाइप्स की और थोड़ा आगे शिफ्ट होते हैं डेमोग्राफी के टू टाइप्स हैं फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी फॉर्मल डेमोग्राफी क्या है भैया फॉर्मल डेमोग्राफी इज अ लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड, क्वांटिटेटिव है ना? रिलेटेड नंबर्स। नंबर्स इसमें आपको से खेलना पड़ेगा इट इज कंसर्न मेजरमेंट एंड एनालिसिस इसके लिए फॉर्मल डेमोग्राफर्स के पास हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल टूल्स रहते हैं राइट मतलब ये एक प्योर कोर नंबर्स वाली फील्ड है बट सोशल डेमोग्राफी क्वालिटेटिव फील्ड है जो रीजन कॉन्सिक्वेंसेस ये सब स्टडी करती है नॉट नंबर्स राइट सो इट स्टडीज द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन इट इंक्वायर्स इनटू वाइडर कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ठीक है इसका दूसरा नाम है एक क्या है वो पॉपुलेशन स्टडीज ठीक है CUET वाले क्वेश्चंस भी मैं आगे बताऊंगी आपको ये पहला क्वेश्चन था सोशल डेमोग्राफी का दूसरा नाम क्या है पॉपुलेशन स्टडीज ठीक है सो हमने डिस्टिंगशन पढ़ लिया डेमोग्राफी का डेफिनेशन पढ़ लिया आई होप दोनों आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो अच्छे से आपको फिट बैठ गया है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं डेमोग्राफी और सोशोलॉजी में क्या रिलेशन है क्या रिश्ता है तो ये आपको ये पैरा में मिल जाएगा डेमोग्राफी इज अ फील्ड इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू सोशोलॉजी सोशोलॉजी डेमोग्राफी के बिना कुछ भी नहीं है ठीक है जब तक आप डेटा नहीं लाओगे तब तक क्या ही पढ़ेंगे हम क्या एनालिसिस करेंगे राइट द इमर्जन्स ऑफ सोशोलॉजी एंड इट्स सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन ओड अलॉट टू डेमोग्राफी दो डिफरेंट प्रोसेसिस हुए थे इन यूरोप रफली एट द सेम टाइम वो क्या है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इससे सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बहुत इवॉल्व हुआ है बहुत इमर्ज हुआ है राइट एंड डेमोग्राफी के बिना हम सोशोलॉजी को इमेजिन तक नहीं कर सकते थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइज अब यहाँ से आएगा आपका सीई टी कॉर्नर पहला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं आपसे पहला मॉडर्न सेंसेस वर्ल्ड में कहा और कब हुआ था फर्स्ट मॉडर्न सेंसिस इन द वर्ल्ड है, है कौन ही कराएगा अमेरिका ही कराएगा कब हुआ था कैन यू इमेजिन सेवेंटीन नाइनटी कितने सारे देश आजाद भी नहीं हुए थे तब इन्होंने अपना खुद का सेंसिस भी करा लिया ठीक है इंडिया में ब्रिटिशर्स ने सेंसिस कंडक्ट करना किस टाइम पीरियड में शुरू किया था 1867 टू 72 के बीच में शुरू कर दिया था बट पहला ऑफिशियल सेंसस हमारे इंडिया में कब हुआ 1881 में इसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा राइट सो रेगुलर 10 इयरली सेंसस पहला कब हुआ था 1881 में. अब ये तो इंडिपेंडेंस की पहले की स्टोरी uh, है राइट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ इट इज 1951 घुमा के पूछेंगे ठीक है याद रखना है कांसेप्ट्स क्लियर करना है सबसे रीसेंट सेंसस इंडिया में कब हुआ 2011 2021 में क्यों नहीं हो पाया बिकॉज़ ऑफ कोविड ऑब्वियसली राइट सो सबसे रीसेंट सेंसस इंडिया में हुआ था 2011 कितने सेंससेस अभी तक कंडक्ट हुए सिंस 1951 टोटल 7 डेसीनियल सेंससेस सात सेंसस अभी तक कंडक्ट हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके इंडियन सेंसिस इज द लार्जेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड आप बोलोगे थोड़ा साइना विच हैज स्लाइटली लार्ज अर पॉपुलेशन डज नॉट कंडक्ट रेगुलर सेंसेस अब तो हमने वो चाइना को भी ओवरटेक कर दिया ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड राइट तो अभी तक जितनी भी कहानी है आई होप आपको कंफर्टेबली समझ आई है राइट अब हम डेमोग्राफी के यूजेस देखते हैं नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट कभी भी यू कैन एक्सपेक्ट इट इन थ्री मार्कर्स वगैरह डेमोग्राफी हम पढ़ रहे हैं बट इसके यूजेस कहा करेंगे हम ठीक है तो सबसे पहले प्लानिंग भाई आपके पास डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ है तो आप प्लानिंग कैसे करोगे राइट right? फिर इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्विटी के साथ हो रहा है तो सोशल वेलफेयर भी होगा तो इन सब चीजों में सोशलोग्राफी का इस्तेमाल होता है डेमोग्राफी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड राइट थोड़ा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मैल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक विच इज कॉल्ड एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स अब एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स यानी बहुत सारा डेटा मैंने लाके आपके सामने रख दिया वो क्या होगा वो राइट लार्ज कलेक्टिविटी ठीक है बहुत सारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल पिनोमिना एग्जाम्पल में है डेथ रेट बहुत लोगों के मिलियन uh, लोगों की डेथ होती है तब आपका डेथ रेट काउंट किया जाता है स्टडी ऑफ सुसाइड्स

क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सिक्स मार्कर टॉपिक है मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये तो मेरे बोझ में भी आ गया था ठीक है सो मैलियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसने प्रोपाउंड की किसने दी थी इट इज ऑब्वियसली थॉमस रॉबर्ट मैल्थस सोशोलॉजिस्ट का नाम है थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ठीक है अब इन्होंने एक बुक लिखी थी एसेज ऑन एसेज ऑफ पॉपुलेशन इन 1798 इसी बुक में इस थ्योरी का इन्होंने मेंशन किया था राइट दैट्स व्हाई माल्थूसियन थ्योरीज प्रोपাউন্ডেড बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस ऑन द बेसिस ऑफ हिज एसेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1798 अब इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है वो पहले देखते हैं पॉपुलेशन TENDS टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट

आपके लोग गरीब ही रहेंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इसके कंपैरिजन में आपके जो है वो तो ना के बराबर है ठीक है इसलिए इस थियोरी को थोड़ा सा पेसिमिस्टिक आउटलुक दिया है थोड़ा सा नेगेटिव थ्योरी बोला है ठीक है ठीक है तो इतने तक सब सेट है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मालदस ने यह भी कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रो किस में हो रही है जीपी में जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे ग्रो कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन uh, में अगर एपी जीपी आपको नहीं भी समझता है आप ये ध्यान में रखना कि पॉपुलेशन इंटू टू के हिसाब से बढ़ रही है बट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो सिर्फ प्लस टू के हिसाब से ही बढ़ रहे हैं तो इतनी सारी पॉपुलेशन को हम कैसे सपोर्ट करेंगे राइट right? अब Malthus ने पॉपुलेशन कंट्रोल के दो मेथड्स बताए थे पहली मेथड पॉजिटिव चेक्स दूसरा मेथड चेक्स पॉजिटिव चेक्स होते क्या है सबसे पहले ये ध्यान में ले लो पॉजिटिव चेक्स द आचर वे ऑफ डीलिंग विथ इम्बैलेंस नेचर जो बीच बीच में फ्लड्स लाता रहता है फमाइंस कोविड नाइनटीन डिसीजे ये सारे नेचर के वे है नेचर के तरीके है प्रिवेंटिव चेक को हम मैन मेड चेक्स बोल सकते हैं जो इंसान ने बनाए जैसे पोस्टपोनिंग मैरिजेस सेक्शुअल एब से तो ये सारे प्रिवेंटिव चेक्स हो गए राइट right? ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स है जिससे आप पॉपुलेशन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ठीक है और मालथिस ने ये कहा था कि पॉजिटिव जो नेचर्स वे दे आर इनएविटेबल यानी इन्हें आप रोक नहीं सकते इसके सामने आपको झुकना ही पड़ेगा राइट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस ओके अब ऐसा नहीं कि लोगों ने माल्थस की थ्योरी को चैलेंज ही नहीं किया मेल्थस की थियोरी काफी चली काफी फेमस थी बट चैलेंजेस तो लोग करेंगे ही चाहे कौन सी भी थियोरी आ जाए राइट सो मैलोरी को कैसे लोगों ने चैलेंज किया व्हाट वर देश राइट सो पहला बेसिस है इकोनॉमिक ग्रोथ लोग बोल रहे थे कि अगर हम इकोनॉमिकली वेल टू डू रहे तो चाहे पॉपुलेशन कितना भी बढ़ जाए हम पॉपुलेशन को इजिली सपोर्ट कर पाएंगे दूसरा चैलेंज था हिस्टोरिन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोप में क्या हुआ कि पॉपुलेशन तो बढ़ता ही गया लेकिन एग्रीकल्चर भी बढ़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए लोग स्कैर एक्सपीरियंस कर रहे हैं राइट लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे और तीसरा लिबरल मार्क्सिस स्कॉलर्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है लिबरल मार्क्सिस ने एक चैलेंज दिया था मैल्थस को तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं चैलेंजेस के तीन ये सब हेडिंग्स है ये सब हेडिंग्स आप एग्जाम में बना के आओगे इकोनॉमिक ग्रोथ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और लिबरल मार्क्सिस सबसे पहला वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जैसे मैंने कहा वेल टू डू रहे तो चाहे कितने भी पॉपुलेशन ग्रो हो जाए वील बी एबल टू सपोर्ट देम दूसरा था हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ठीक है अब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिगेन टू चेंज ठीक है इन यूरोप बर्थ रेट्स कम हो गए थे वैसे आउटब्रेक्स भी कम हो गए थे दे वर बीइंग कंट्रोल्ड और माल्थसिस प्रेडिक्शंस वर प्रूफ वॉल्स क्योंकि दोनों फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग दे कंटिन्यूड टू राइज़ डिस्पाइट द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जो माल्थस ने प्रेडिक्ट किया था ठीक है तीसरा रिफ्यूटेशन क्या है इस थ्योरी का लिबरल मार्क्सिस स्कॉलर्स ने एक चैलेंज uh, प्रोवाइड किया है वो क्या है कि वो बोलते हैं कि पावर्टी जी हमें लगता है कि पावर्टी जो है ना वो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नहीं है पॉवर्टी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है ये पढ़ो यहाँ पे क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड स्टावेशन वर कॉज बाय अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रादर देन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ राइट सो so, ये तीन चैलेंजेस कभी कभी आते हैं थ्री मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं या तो छह मार्क के क्वेश्चन के साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं आपसे ये हैंड रिटन नोट्स है चैलेंजेस के राइट अब शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अनादर थ्योरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी इस थियोरी हमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है तीन स्टेजेस वन टू एंड थ्री तीन स्टेजेस में क्या होने वाला है हम ग्रोथ रेट्स और बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स एनालाइज करने वाले हैं ठीक है पहली स्टेज में कंट्री अंडर डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होने वाली है दूसरी स्टेज में कंट्री डेवलपिंग होने वाली है और तीसरी स्टेज में कंट्री विल बी फुल फ्लेजेडली डेवलप्ड ठीक है पहली स्टेज की तरफ आओ पहली स्टेज में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें क्या होता है बर्थ रेट्स भी हाई होते हैं और डेथ रेट्स भी हाई होते हैं डेथ रेट्स हाई होने के पीछे एक रीजन है क्या है वो यस लो मेडिकल फैसिलिटीज पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ रहता है राइट इसकी वजह से डेथ भी हाई रहती है तो जो नेट uh, रिजल्ट आएगा हाई बर्थ और हाई डेथ की वजह से वो आएगा लो ग्रोथ रेट यानी हो रहा है ग्रोथ रेट इतना ज्यादा नहीं है इन अंडर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड कंट्रीज आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं मोस्ट ऑफ दी साउथ अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज ठीक है सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है सेकेंड स्टेज में बैकवर्ड से एडवांस्ड की तरफ कंट्री जा रही ठीक है इसमें द कंट्री इज डेवलपिंग इसमें कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव हो गया जिसकी वजह से डेथ्स कम हो गई बर्थ्स तो बढ़ ही रही हैं लेकिन बर्थ रेट तो हाई ही है लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हो गया है और दैट्स ग्रोथ रेट इज वेरी हाई क्योंकि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन डेथ्स नहीं हो रही है तो जो नेट रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत सारी पॉपुलेशन है ठीक है तो इस स्टेज को हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलेंगे क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवास्ड अब इस स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसका मतलब है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह काफी हो गई और डेथ रेट्स भी कम हो गए हैं डेथ रेट्स आर ब्रॉड डाउन क्विकली और इसके वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ठीक है और इंडिया सेकेंड स्टेज में अभी है ठीक है इंडिया इज इन सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज क्या है डेवलप्ड कंट्रीज का लो बर्थ्स लो डेथ यहाँ पे लो uh, बर्थ है क्योंकि लोग लो, लि, लो लिटरेट है और लोगों को पता है कि अगर पॉपुलेशन कम रही तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो पाएगा बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और डेथ तो लो है ही क्योंकि बिकॉज ऑफ एडवांस्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सो ये तीन स्टेजेस आई होप आपको अच्छे से समझे हैं तीन स्टेजेस बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना और इस पे अगर क्वेश्चन आए तो एक स्टेटमेंट जरूर डालना पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही है जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूव हो रहा है ग्रोथ रेट भी कम हो जा, हु, हुआ जा रहा है राइट कम होता जा रहा है सम कॉमन एंड ईजी कॉन्सेप्ट जो हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं पहला कॉन्सेप्ट है बर्थ रेट वेरी इजी बर्थ रेट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ठीक है डेथ रेट क्या होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स तो बर्थ रेट और डेथ रेट तो बहुत ईजी है अब आ जाओ ग्रोथ रेट पे शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आपको ग्रोथ रेट यानी डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट अब ग्रोथ रेट का दूसरा नाम है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट सो so आपको ग्रोथ रेट समझ गया आई होप अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल रिप्लेसमेंट लेवल पे कोई कंट्री की पॉपुलेशन तब पहुंचती है जब उस कंट्री में

15 15 49 years. वैसे ही working population का age group क्या है? है, है? 64 ये ये सब याद रखना ठीक so हुआ fertility rate की एवरेज पर थाउजेंड वुमेन में से कितनी लाइव बर्थ होती है इन द चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप इसे हम फर्टिलिटी रेट बोलेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होगा टोटल लाइफ बर्थ वुड हैव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी अगर एक हाइपोथेटिकल वन सिर्फ फिफ्टीन टू फोर्टी नाइन ईयर के एज ग्रुप में थ्रू आउट हर लाइफ रही तो वो कितने चिल्ड्रन को बर्थ देगी ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बताएगा ठीक है अब बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट आते हैं विच इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आई एम आर ये क्या होता है एक साल के नीचे वाले बेबीज की कितनी डेथ होती है पर थाउजेंड लाइव बर्थ यानी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ वन ईयर पर थाउजेंड लाइव बर्थ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इयर्स एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव हम एक एवरेज इंसान को कितने साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान सेवेंटी ये इंसान एटी इयर्स जिएगा तो वो एक होता है है ठीक जैसे इंडिया में इट इज अराउंड आई गेस सिक्सटी टू सेवेंटी इयर्स ठीक है बीच में कहीं तो भी है सो so, ये सारे कॉन्सेप्ट है और भी है जैसे सेक्स रेशो सेक्स रेशो क्या है नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स

फीमेल्स के फेवर में ज्यादा पाया गया है क्यों दो रीजन है इसके बेटर रेजिस्टेंस ऑफ गर्ल देन मेल चिल्ड्रन और सोसाइटीज़ में देखो तो आपको ज्यादा ओल्डर वेमेन दिखेंगी देन ओल्डर मेन क्योंकि उनका रेजिस्टेंस पावर और उनका यू you नो know, एक डिफरेंट एक बेटर तरह की रेजिस्टेंस uh, सिस्टम होती है उनकी बॉडी में राइट अब बहुत ऑलमोस्ट uh, सारे कॉन्टेक्स्ट में वन जीरो फाइव जीरो फीमेल्स पाई जाती हैं और थाउजेंड मेल्स अब आप बोलोगे कि अगर नेचर फीमेल्स के फेवर में है तभी भी uh, हमारे कंट्री में ऐसे बायस्ड सेक्स रेशोज क्यों पाए जाते हैं बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द सन प्रिफरेंस इट इज बिकॉज ऑफ द वेरियस कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स जो गलत है राइट right? चाइना इंडिया और साउथ कोरिया में अभी तक प्रिफरेंस है अभी तक करता है एंड दैट इज दीजन बिहाइंड होता है इट इज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन यानी अगर मुझे जानना है कि भैया फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स के बच्चे बच्चे तो नहीं होंगे टीन्स बोलो ये पूरे इंडिया में कितने ये एज ये ब्रैकेट के बच्चे हैं ये एज ग्रुप के बच्चे हैं तो मैं इंडिया का एज स्ट्रक्चर रेफर करूंगी ठीक है सो एज स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन आई होप इट्स क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर राइट अब एजिंग ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है एजिंग एजिंग यानी ओल्ड होना राइट right? सो so, डेवलपमेंट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव होती है जैसे इंडिया में हुई है राइट एज कंपेयर टू द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है सो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी इंप्रूव हुई है इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन एज हो रही है ओल्ड हो रही है इंडिया में देर अ फिनोमिना कॉल्ड एजिंग ऑफ पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है ठीक है सो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एजिंग ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है डिपेंडेंसी रेशो यानी जितने भी नॉन वर्कर्स हैं उनको अगर हम वर्कर्स के साथ कंपेयर करें उनका रेशो निकाले तो वो ही होगा आपका डिपेंडेंसी रेशो इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ डिपेंडेंट्स या नॉन वर्कर्स जिसमें आते हैं मेजरली बच्चे और एल्डरली और इसको कंपेयर करें अगर वर्किंग पॉपुलेशन के साथ 15 टू 64 इयर्स के बीच के लोगों के साथ तो निकल आएगा हमारा डिपेंडेंसी रेशो अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी मान लो एक कंट्री है एक्स अब इस एक्स कंट्री में जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो बहुत सारे हो गए यानी नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए अचानक से तो हम क्या बोलेंगे ये कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया है क्योंकि वर्कर्स ज्यादा है इस कंपेयर टू नॉन वर्कर्स यानी वर्कर्स पे बोझ कम है नॉन वर्कर्स का तो ये कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है डेमोग्राफिक डिविडेंट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इंक्रीज़ेस इन कंपैरिज़न टू द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्कर्स ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है क्योंकि जो वर्कर्स है वो भी आगे जाके नॉन वर्कर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भी आगे जाके डिपेंडेंट में काउंट होने वाले हैं, राइट right? सो so, इसलिए वो भी दिस एंटायर डेमोग्राफिक डिविडेंट इज अ temporary concept. इंडिया स्पेसिफिक बातें करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 census निकला था 121 crore, that करोड़ दैट इज बिलियन ये 2011 के सेंसेस के अकॉर्डिंग का डेटा है राइट right? एंड एक स्पेशल फैक्ट आता है जो सब ने याद रखना है इज कि 1911 टू 1921 ये जो डेकेड डेकेड था था वो सबसे डेंजरस क्यों भैया क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था इन इंडिया एक्चुअली इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इंडिया में बहुत सारा इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव इंपैक्ट दिखा था इस स्पेनिश फ्लू का इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक को ही स्पैनिश फ्लू बोलते हैं दूसरा नाम है स्पैनिश फ्लू ठीक है ये स्पैनिश फ्लू कब आया था भैया 1918 एटीन टू नाइनटीन एक साल इसने बहुत तंग करके रखा था सबको इसने इंडिया के 12.5 मिलियन लोग दैट इज 5 परसेंट ऑफ इंडिया इनकी जान ले ली थी 12.5 मिलियन पीपल किल्ड इन द स्पैनिश फ्लू राइट नाउ हम और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो दैट सूरत में स्मॉल एपिडेमिक आया था प्लेग का इन 1994 और 1957 इंफ्लुएंजा आया था और आया था कब 1968 ठीक है सारे शॉर्ट पॉइंट्स की नोट बना लेना ठीक है अब यहाँ पे भैया बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आ रहे हैं पहले ग्राफ से थोड़ा देख लेते हैं ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ्स है ये देखो टेबल वन में दिखा रहा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग द द्वेंटी सेंचुरी अब यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बात जो आपको याद रखनी है वो इधर थर्ड थर्ड कॉलम में आ जाइए आप सॉरी थर्ड रो में आ जाइए 1921 वाले यहाँ पे एक नेगेटिव एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री क्यों भैया क्योंकि 1921 है और

स्पेनिश फ्लू है राइट right? फिर आगे अगर आप देखो तो इनकी गैप जो है वो बढ़ रही है यानी ये लाल से जो है ये डेथ रेट है ब्लू वाली जो लाइन ग्राफ है वो है बर्थ रेट तो धीरे धीरे गैप इज इंक्रीजिंग कि धीरे धीरे इंडिया इज मूविंग टूअर्ड्स स्टेज टू जहां पे बर्थ रेट इज आल्सो बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है ठीक है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड द ग्राफ्स

डेथ रेट तो आसानी से नीचे आ जाते हैं लेकिन बर्थ रेट टेक्स टाइम नॉ लेटस्ट मूव टूअर्ड द इंडियन पॉपुलेशन मेजर पॉइंट इंडिया इज अंग्री आई शुड से वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा जिसके वजह से वी हैव अजनो अपॉर्चुनिटी दट इन द फॉर्म ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंट ना जैसे कि मैंने ये बोला कि यूथ है वर्किंग पॉपुलेशन बहुत है इसलिए इंडिया हैज गॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत सारे वर्कर्स हमारी कंट्री में है आर कंट्री इज ब्लेस्ड विथ यंग विथंगशन बिटवीन एज ग्रुप फिफ्टीन टू सिक्सटी फोर इय बट तभी भी देर इज अजर चैलेंज दट इंडिया इज बैटलिंग सिंस लॉन्ग विच इज अनएम्प्लॉयमेंट जब तक ये यंग पॉपुलेशन को आप एम्प्लॉय नहीं करोगे तब तक ऑटोमैटिक ये बेनिफिट नहीं आएगा राइट right? अगर यंग पॉपुलेशन घर पे ही बैठती है एम्प्लॉयड नहीं है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है आपकी कंट्री में देन दर इज नो यूज ऑफ दिस दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट आपको अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर एम्प्लॉय करना पड़ेगा टू एक्सप्लॉइट दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड

जिसके पहले हम कॉमन सेक्स रेशो निकालते थे एज स्पेसिफिक से आपको ज्यादा क्लियर डेटा मिलेगा ठीक है मैंने आपको बताया था जब भी सेक्स रेशियो ये वर्ड आएगा आपको दो स्टेट्स के नाम याद रखने हैं हरियाणा और अरुणाचल अरुणाचल हाइएस्ट सेक्स रेशो ऑफ नाइन फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स और हरियाणा लोएस्ट सेक्स रेशो ऑफ सेवन फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स राइट

तो आपको ये समझेगा कि ये एक परफेक्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है बट 2026 का ग्राफ थोड़ा अलग सा शेप है ठीक है नाउ यहाँ पे क्या दिखा है ये बीच की जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन राइट फ्रॉम लेट से ये टू ये सो बेसिकली ट्वेंटी टू सिक्सटीर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होने वाली है आपकी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड वन So, इसका मतलब क्या है एक बल्ज फॉर्म कर रहा है जिसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम देते हैं राइट right? तो ये बल्ज शेप का मतलब क्या है कि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है ओके एंड डिपेंडेंसी रेशो काफी कम होगा क्योंकि वर्कर्स बहुत ज्यादा है ठीक है और यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे बर्थ रेट कितना ज्यादा है बट 2026 में ये जो बॉटम के जो प्रोजेक्शंस है ये थोड़े कम हो गए एंड टॉप मोस्ट प्रोजेक्शन यहाँ पे बहुत कम है यहाँ पे थोड़े बढ़ गए यानी में हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों थोड़ा थोड़ा कम होने वाले हैं राइट सो so ये इसी तरह से वी कंप्लीट द एनालिसिस ऑफ दीज चार्ट एंड ये जो राइट हैंड साइड में येलो बॉक्स है उसमें पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपको समझाया है जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है राइट

उनको मार दिया जाता है ड्यू टू सम रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ ये आपको बहुत जगह दिखेगा जैसे हरियाणा राजस्थान यूपी राइट तीसरा है सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीपल आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फीटस एंड दे अबॉर्ट इट इफ दैट फीटस इज अ फीमेल ठीक है सो वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस दिस

गर्ल्स का ध्यान नहीं रखा जाता है उनको निग्लेक्ट किया जाता है तो ये सारे फैक्टर्स है बिहाइंड लो सेक्स रेशियो इन इंडिया अब एक क्वेश्चन आ रहा है इट इज स्ट्राइकिंग दैट लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इज फाउंड इन द मोस्ट प्रोस्परस स्टेट्स। एक्सप्लेन नाउ दिस इज अ पीवाई सो आई वांट यू टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली पेज नंबर थर्टी वन या ट्वेंटी ये वाले पेज नंबर पे आपको दिखेगा सेकेंड एंड थर्ड पैरा यानी यहाँ से आपको दिखेगा तो so, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसी स्टेट्स है महाराष्ट्र पंजाब ये रिच स्टेट्स हैं बट यहाँ भी हमें लो चाइल्ड सेक्स रेशो दिखाई दे रहा है सो व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट सो रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो सीम्स टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट इट इज स्ट्राइकिंग मेन स्टेटमेंट इधर से शुरू हो रहा है Striking that the lowest child sex ratios are found in the most prosperous regions of India. According to the economic survey, Maharashtra, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi are having high per capita income, hai, but child sex ratio is low. Hai. So, the problem, very important statement. Ha? So, the problem of selective abortions is not due to poverty or ignorance or lack of resources, but कुछ जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिलीज है ये स्टेट्स की दे डिसाइड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन एंड दैट्स अगर कम बच्चे चाहिए तो बच्चे दे दे टू टू चूज चूज द द सेक्स सेक्स ऑफ ऑफ देयर देयर बेबी विश चाइल्ड ठीक है और इसी वजह से अगर एक ही बच्चा करना है सो अच्छा होगा कि हमें मेल बच्चा हो जाए ताकि वो हमारा यू नो ओल्ड एज में ख्याल रख पाए ठीक एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ सन प्रेफरेंस इन मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया इकोनॉमिकली प्रोस्परस रीजन में भी लो चाइल्ड क्यू है ठीक है इफ अ क्वेश्चन एग्जाम प्लीज राइट पॉइंट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लिटरेसी शॉर्टली बट बिफोर दैट लेट मी टॉक मोर ऑन अल्ट्रासाउंड व्हाट इज अल्ट्रासाउंड एंड वॉट इज अ सोनोग्राम सो बेसिकली दीज आर एक्सरे लाइक डिवाइसेस इनका बेसिकली यूज uh, ये था कि जो फीटस है उसमें जेनेटिक कुछ डिजीजेस डिटेक्ट करने के लिए वगैरह इनका इस्तेमाल किया जाता था बट देन ऑल द मैल प्रैक्टिस और इनका बुरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू हो गया टू नो द जेंडर ऑफ द फीटस एंड टू सिलेक्टिवली अबाउट इट सो ये सब प्रैक्टिस बंद करने के लिए बैन करने के लिए प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टेक्निक एक्ट लाया गया है इट केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन नाइन सिक्स और इसको स्ट्रेंगन किया गया टू थाउजेंड थ्री में इसी के जैसा वुमेन वर्मेंट वाला एक और एक एक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वेरी फेमस ठीक है सो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक बारे में आपको याद रखना है कब फोर्स में आया कब स्ट्रेंगन हुआ अब शुरू करते हैं क्विकली विथ लिटरेसी लिटरेसी क्या है भैया द एबिलिटी टू रीड एंड राइट अलॉन्ग विथ एन अंडरस्टैंडिंग लिटरेसी इज प्री रिक्वेज टू एजुकेशन एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पायरमेंट अगर आप लिटरेट हो यू हैव अ ग्रेटर कॉन्शियसनेस ऑफ करियर चॉइस यू विल पार्टिसिपेट वेल इन द नॉलेज इकोनॉमी आपको बेटर हेल्थ अवेयरनेस हाइजीन सैनिटेशन रहेगा राइट देन कल्चरल और इकोनॉमिक वेलबींग आपकी कम्युनिटी का जल्दी ज्यादा होगा यू नो केरला वगैरह जैसी स्टेट आगे क्यों बढ़ी है बिकॉज यूनिवर्सल लिटरेसी है Everybody knows what is right, what is wrong. Okay. And everybody is very rational. And that is why.

देन मेल लिटरेसी फिर आगे हम केरला की बात करते हैं विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यूनिवर्सल लिटरेसी ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखा जा सकता है फिर इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि केरला जैसी भी स्टेट्स है और बिहार जैसी भी स्टेट्स है विच आर लैगिंग फार बिया तो बिहार जैसी स्टेट्स को भी सुधारना है एंड देस नो बैलेंस एक एक्सट्रीम पोल्स वाली स्टेट्स है हमारी कंट्री में राइट right? कुछ कुछ तो बहुत अच्छी है कुछ कुछ बहुत बैकवर्ड है आगे चलते हैं विथ रूरल अर्बन डिफरेंसेस अब लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट क्यों करते हैं इसके भी कुछ रीजन है नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट देख लो एक बार इंडिया एक रूरल इकोनॉमी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू द 2011 थाउजेंड इलेवन 68.8 population 68.8 percent lives in rural areas or 30 almost 30 percent lives in urban areas ठीक है तो rural areas का भाई बहुत बोल बाला है है ना अब यहाँ पे increased urbanization हो रहा है क्यों सबसे पहले agriculture used to be the largest contributor we all know है ना agriculture सबसे ज़्यादा GDP में contribute करता था बट अभी सिर्फ वन फोर्थ ऑफ द जीडीपी पे रिड्यूस हो गया है पहला पॉइंट जो हमें पॉपुलर अर्बनाइजेशन का रीजन बता रहा है एक कॉन्सिक्वेंस बता रहा है दूसरा रूरल पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज वो अर्बन एरियाज में ट्रेवल करते हैं रहने लग जाते हैं वहां पे जॉब्स uh, और फैसिलिटीज ढूंढते हैं ठीक है दे प्रिफर अर्बन एरियाज बेटर फिर तीसरा मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में अर्बन लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई किया जाता है राइट right? अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया जाता है एंड दैट्स व्हाई रूरल पीपल दे गेट बाय द अर्बन लाइफ एंड दैट्स वो ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरिया अट्रैक्ट होते हैं फिर एक और फैक्टर है डिक्लाइन इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे पॉन्ड्स हो गए फिर आपके फॉरेस्ट हो गए जिससे हार्डशिप्स भी इंक्रीज होती है आप सोचो कि अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस रहते जैसे पॉन्ड्स फिश फॉरेस्ट तो वो लोग फ्री में ये रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते थे बट अब अर्बन एरियाज में ये लोग आ गए सो so ये सब फ्री में तो मिलने नहीं वाला है दे विल हैव टू बाय एवरीथिंग फूड वाटर क्लोदिंग राइट सो रूरल एरियाज में जो कॉमन प्रॉपर्टी फ्री में इस्तेमाल जिसका किया जाता था वैसे अर्बन किया जाता है हार्डशिप्स ऑल ऑल इन विल डेफिनेटली इंक्रीज फिफ्थ रिलेटिव एनोनिमिटी मतलब कोई पहचानता नहीं है सिटीज में सिटीज में लोगों को उनका स्पेस मिलता है एक एनोनिमिटी मिलती है जिससे लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वो लो स्टेटस जॉब्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे दे कंफर्टेबली अर्न देयर लिविंग ठीक है जो वो विलेजेस में नहीं कर सकते क्योंकि विलेजेस में यू नो द रिलेशंस आर वेरी क्लोज नेबर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं पूरा गांव एक दूसरे को अच्छे से जानता है दैट्स व्हाई विलेजेस में लो स्टेटस जॉब्स करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अर्बन एरियाज में इट इज क्वाइट क्वाइट कंफर्टेबल आगे चलते हैं यही सब मैंने जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ा है यही सब यहाँ लिखे हैं सो यू नीड टू गो थ्रू द एन टी वंस अब हम जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन की बात करते हैं थोड़ा ऑफिशियल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस में घुस के पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया जानते हैं सो यूल बी सरप्राइज टू नो दैट इंडिया वॉज द फर्स्ट एवर कंट्री टू एक्सक्लिवली अनाउंस सच पॉपुलेशन पॉलिसी इन दर नाइनटीन फिफ्टी टू ठीक है पहली कंट्री थी जिसकी ऐसी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी वगैरह थी अब इस पॉपुलेशन पॉलिसी का नाम है एन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बट इसको रीनेम करके एन बनाया दिया गया है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अब इसे रीनेम क्यों किया था मैम इसका एक सिक्स मार्क का आंसर बनता है सिक्स मार्कर आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मेरे बोझ में ये भी आया था ठीक है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक्सपीरियंसिंग नेमरजेंसी के बारे में पता है मास्टर जो हुए थे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी वो ही हमें पॉइंट वाइज टेक्सट बुक की लैंग्वेज में लिखना है सो so, सबसे पहला पॉइंट की नॉर्मल पार्लियामेंट्री एंड लीगल प्रोसीजर्स दे स्पेशल लॉज एंड ऑर्डिनेसूड विदाउट पासिंग इन द पार्लियामेंट और इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ग्रोथ रेट डाउन ग्रोथ रेट का मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था हार्डशिप बढ़ गई थी पैसा नहीं कमा पा रहे थे लोगों को खाने को नहीं था ठीक है सो ये सब पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कोएर्सिव प्रोग्राम ऑफ मास्टरलाइजेशन लागू करते हैं व्हिच इज यू नो वैसेक्टोमी इन मेन एंड ट्यूबक्टोमी इन विमेन, जिससे काफी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए बर्थ कंट्रोल हो जाए और बहुत सारे पुअर और पावरलेस को फोर्सबली स्टरलाइज कर दिया था एंड मैसिव प्रेशर था लोअर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पुअर एंड पावरलेस को स्टर्शन के लिए जबरदस्ती उठा कर लाए ठीक है और इससे बहुत सारा अपोजिशन अपोजिशन हुआ, uh, ने बहुत आवाज उठाया और नई जब गवर्नमेंट जब इमरजेंसी खत्म हुई तब नई गवर्नमेंट आई जनता पार्टी आई आफ्टर कांग्रेस ठीक है सो so, ये आपको समझा के अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है इन योर पेपर सो आई होप things are very much clear till now. Last but not the least, India's demographic transition यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सबसे important ये world है population momentum। इसका मतलब है कि uh, large cohort of women, यानी बहुत सारी women fuel करती है population growth को over the next generation। हर एक वुमेन अगर एक भी बच्चा पैदा करे तब बहुत सारी वुमेन अगर एक, एक 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 बच्चा पैदा करती हैं तो साथ में जो एग्रीगेट आएगा पॉपुलेशन का वो कितना बड़ा होगा उसी को हम पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं अब ये इंपॉर्टेंट गोल्स है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के ये भी आपको पढ़ना एक बार एक रीडिंग लगा लेना ठीक है एंड दिस इज द इमरजेंसी पार्ट विच आई टॉट एट द बैक ठीक है ये सिक्स मार्कर इसमें से जरूर बनता है सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कॉन्क्लूड अगर कोई डाउट्स है मेक श्योर यू आस्क देम फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व देम ऑल थैंक यू सो मच सी यू अगेन